हिमाचल पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने आज इंदौरा उपमंडल के सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया वह सुरक्षा व्यवस्था जांची। इस दौरान सेरेमोनियल गार्ड ने पुलिस थाना इंदौरा पहुंचने पर प्रदेश पुलिस प्रमुख को सलामी दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए हिमाचल पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने कहा, और उन्होंने ये बोला कि ये जो माफिया माइनिंग कर रहा है इसको खत्म करना है, तो उसी सिलसिले में जो सबसे ज्यादा माइनिंग प्रोन एरियाज है उसको मैं टूर करने आया, असेसमेंट विजिट जिसको बोलेंगे। तो मैं दो दिन ऊना में था, जिसमें और बाकी जगह की इलीगल माइनिंग देखी हमने, और आज हम आए हैं जो मंड एरिया आपका है उसको देखने के लिए। और दूसरा है कि जो बॉर्डर विजिट है, बॉर्डर एरिया जो हमारा पंजाब के साथ लगता है बड़ा संवेदनशील है, और पंजाब में अब चुनाव आने वाले हैं, जैसे कि चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेगा, तो उसी सिलसिले में जो बॉर्डर पुलिस स्टेशन है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से उनको विजिट करने आए हैं। और नारकोटिक्स में मैं पूरी कांगड़ा पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ड्रग्स के मामले में बड़े अच्छे केस किए उन्होंने और बड़े क्वालिटी केस किए। पहले भी पकड़ते थे लेकिन अब पकड़ने के साथ साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि अपराधियों की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। अब हम उससे आगे भी जाएंगे, ना केवल उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी लेकिन जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो आज तक इन्होंने ड्रग से पैसा बनाया है और उसको लॉन्डर किया है, अंग्रेजी में टर्म होता है लॉन्डर किया, धोखे कहीं और लगाया, जैसे किसी ने होटल बनाया, किसी ने घर बनाया, वो भी हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा हम उसको भी सीज करवाएंगे। आपको जानकारी होगी मानव भारती एक यूनिवर्सिटी है, फेक डिग्री का स्कैम आया था, हमने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन की लेकिन हमने ईडी को वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए केस दिया, 194 करोड़ उसका सीज कर लिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। हम चाहते हैं कि देखिए, कई सालों से ये ड्रग्स का सिलसिला चल रहा है लेकिन हम इस पर नॉकआउट पंच नहीं दे पाए, अब नॉकआउट पंच देने के लिए हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ केस में इन्होंने 8 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी इन्होंने अटैच करवाई है, लेकिन अब उससे अब आगे जाना चाहते हैं कि पूर्व में जो इन्होंने पैसा कमाया और लॉन्डर करके कहीं और लगाया उसको भी हम ईडी के द्वारा सीज करना चाहते हैं। एक और है, हम टेरेस में गए थे, वहाँ जितनी फार्मा इंडस्ट्री है उनके साथ भी हमने मीटिंग की थी। फार्मा ओपियाइड्स होते हैं, जो ओपियम है यानी कि अफीम है, वो सरकारी तौर से मिलता है कई फैक्ट्रियों को जिससे दवाई बनाने का, लेकिन हम एक्सपीरियंस ये आया, अनुभव ये आया, ये दवाइयाँ गलत जगह पे जाती है और नौजवान लोग इसको लेके नशा करते हैं, उसमें भी हमने बड़ी कार्रवाई की है। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, 3 ऐसे केस सिरमौर में हुए हैं जिसमें 2 केस में तो बिल्कुल एविडेंस है, उसमें भी हमने एक केस हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया है ताकि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जितना भी पैसा उन्होंने पूर्व में बनाया है इस क्राइम से, वो सरकार के खजाने में जब्त हो। और इलीगल माइनिंग में भी हमने यही निर्णय लिया है, इलीगल माइनिंग में कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगा के 120 सेक्शन लगा के, और बाकी में इसको भी हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में देंगे ताकि जो इसके द्वारा, इस क्राइम के द्वारा जितना भी पैसा पूर्व में बनाया है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसको अटैच कर सके। इस बारे में हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने मान लिया है कि ये केस आगे लेंगे, और हमारी उच्च अधिकारियों से भी मीटिंग हुई है, और हमने इसके बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर 2 दिन पहले इशू कर दिए हैं, और जिसकी अब अनुपालना हमारे सारे जिले करेंगे। धन्यवाद। लेकिन सर, हाल ही में जो PSOs हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो हैं, JNK में उनके हमले हुए हैं, और आपका चंबा का एरिया बिल्कुल JNK से लगता है, और पंजाब भी संवेदनशील है, खासकर पठानकोट का एरिया, तो सुरक्षा की दृष्टि से आपने क्या इंतजाम जो है इंदौरा क्षेत्र के लिए स्पेशली जो पुलिस को देंगे आप आदेश निर्देश? देखिए, ऐसा है कि हमारे काफ़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कांगड़ा, चंबा, ऊना में भी कुछ हैं जो पंजाब के साथ बॉर्डर के साथ लगते हैं और संवेदनशील है। हमने एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बनाया है जिसमें DIG इंटेलिजेंस सिक्योरिटी जो धर्मशाला है, संतोष पटियाल हेड रहेंगे, कंसर्न SP उसके मेंबर रहेंगे और SP सिक्योरिटी उसके मेंबर रहे हैं। हाल ही में जो ड्रोन अटैक हुआ है उससे नई थ्रेट एमर्ज हुई है, स्पेशली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में, और हमने इनको बोला है कि जो बॉर्डर के साथ लगे हैं पहले उनकी इंस्पेक्शन पहले करिए और धीरे धीरे अंदर हिंटरलैंड में जाके करिए, और 1 महीने में हमने इनको निर्देश दिया है कि इसकी रिपोर्ट दें,
ताकि हम उनके साथ बैठ के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के कमांडेंट्स के साथ बैठ के उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर सकें। हम वी आर अलाइव टू द फैक्ट कि ड्रोन्स ने एक नया थ्रेट और नया चैलेंज हमारे ऊपर डाला है, और कांगड़ा जिले में बॉर्डर में भी है और अंदर भी हैं काफ़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जिसके लिए हम दोबारा बोर्ड ऑफ ऑफिसर बना के इसकी असेसमेंट करेंगे।